लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करें, कैरी मिनाती है जैसे डायनामो गेमिंग है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो तो करते हैं पीसी से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हैं उनकी तरह, उनकी जैसी लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे आप एकदम प्रॉपरली तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। लेकिन दोस्तों, आपके वहाँ पर नेटवर्क अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें स्पीड चाहिए, क्योंकि जो भी आप लाइव कर रहे हो वो यूट्यूब पर चलेगा। तो अच्छी आपकी स्पीड है तो आप आराम से मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वो जैसे डायनामो गेमिंग है या कैरी मिनाती है उनकी तरह लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। वो भी एक ही सॉफ्टवेयर से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उसका नाम है OBS यानी स्ट्रीम लैब्स है। तो दोस्तों, वो आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल महेंद्र यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपको सबसे पहले क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम यानी पहली बार आप अगर लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको करना कुछ नहीं है, अपने चैनल के क्रिएटिव स्टूडियो में चले जाना है, वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से उसे यानी अनेबल कर देना है। ठीक है, आप अनेबल करोगे तो ही लाइव स्ट्रीमिंग ओपन होगी, ठीक है, यानी वहाँ चलेगी। अगर आपने पहले लाइव स्ट्रीमिंग कर रखी है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन की लिंक दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उस पर डायरेक्ट क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको करना क्या है वो मैं ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन, वहां पे आपको पूरी प्रॉपरली तरीके से बताऊंगा, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। तो पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबा दो यार, लाइक को दबा दो जल्दी से, और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, तो चलते हैं अब एप्लीकेशन की ओर जहां से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन की मदद से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वो भी डायनेमो गेमिंग की सेम टू सेम कॉपी। तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपके इंटरनेट चालू होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इंटरनेट होने के बाद में ये लाइव स्ट्रीमिंग का ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लॉगिन के लिए बोलेगा, भाई आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पे करनी है या ट्विच पे, यानी कहीं पे भी आपको करनी है वहाँ से उसे लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आपको यूट्यूब पे करनी है तो आपको यूट्यूब वाले पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से अपनी जो भी आपका यूट्यूब चैनल है उस आईडी से, तो वो आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो आपको यहाँ जहाँ जिस आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है वो आईडी यहाँ से डाल के अब से लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, आपको वो आईडी लॉगिन कर लेनी है, बाद में आपको यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, भाई ये अपनी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से, इसे आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ से अलाउ का ऑप्शन आएगा तो आपको अलाउ कर देना है, ठीक है, यानी आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको अलाउ कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अब दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अलर्ट है, इवेंट लिस्ट है, चैट बॉक्स है, जार है, डोनेशन ट्रैकर है, डोनेशन गोल है। तो यहाँ पे डायनामो गेमिंग पे यही आते हैं दोस्तों, वो जैसे कोई सब्सक्राइब करता है तो स्क्रीन पे कुछ आइकन आ जाता है और अलर्ट का निशान आ जाता है, ठीक है, वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको तीन तो है ही, आपको ये डोनेशन ट्रैकर भी कर लेना है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। आप जैसे नेक्स्ट करोगे तो ये माइक कैमरा इनको अनेबल करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसके भी अनेबल कर देना है और अलाउ कर लेना है, ठीक है, दोनों को अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, अनेबल करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, तो एक तो आता है स्क्रीन लाइव का, दूसरा आता है कैमरा लाइव का। तो कैमरा लाइव भी कर सकते हैं आप पीछे वाले कैमरे से और सामने वाले से, और दूसरा है वो स्क्रीन कैप्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी स्क्रीन कैप्चर का मोड है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पबजी खेल सकते हैं या जो भी स्क्रीन पर चल रहा है उसको लाइव कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब दोस्तों, हम सेटअप की बात करते हैं, ऊपर तीन डॉट दिए वहाँ पे जाना है और एडिटर पे चले जाना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट आपको कहाँ दिखाना है, चैट बॉक्स आपको कहाँ दिखाना है, जो भी कमेंट आ रही है आप यहाँ पे साइड में कहीं पर भी दिखाना है आप उसे सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अलर्ट जैसे सब्सक्राइब किया है या किसी ने डोनेशन किया है या कुछ आपको किया है सुपर चैट दिया, वो आपको कहाँ दिखाना है सब कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब अपना पेटीएम नंबर देना है तो यहाँ टेक्स्ट पे जाके अपना पेटीएम नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे नंबर जो भी आपका पेटीएम अकाउंट है ये डाल, जैसे मैं आपका पेटीएम नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऐसे करके आपको ऐड कर देना है। और स्क्रीन पे जहीं पे जहाँ पे भी आपको ये पेटीएम नंबर दिखाना है आप इसे छोटा बड़ा करके आप जहाँ पे भी आपको दिखाना है उसे आप ले जाके वहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे पेटीएम नंबर दिखाना है तो ये ऑटोमेटिक स्क्रीन पर दिखेगा अगले बंदे को, ठीक है। यहाँ पे अपन इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको कलर चाहिए आप इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं, और नीचे फ्रेम भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। अब दोस्तों, हम जैसे मेरे चैनल का नाम देना है, जैसे मेरे को कोई फ्रेम लगानी है तो यहाँ से फ्रेम भी लगा सकता हूँ, बहुत सारी फ्रेमें हैं, जैसे कैरीमिनाती भी यूज करता है बहुत सारे यहाँ। जैसे अब मैं जैसे ये फ्रेम लगा दी मैंने, ये ऊपर लगा रहा हूँ और इसमें मेरे चैनल का नाम लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, अपना चैनल का नाम लिख के वहाँ पे सेट कर देता हूँ, जैसे टेक्निकल महेंद्र यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ, और यहाँ पे टेक्निकल महेंद्र आ चुका है और यहाँ पे मैं इसे सेट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे टेक्निकल महिंद्रा आ चुका है। और इसी जैसे आप स्क्रीन पे जहीं पे भी आप सेट करना है, ठीक है, इसे छोटा बड़ा करके स्क्रीन पे सेट कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, कलर चेंज कर सकते हैं, यानी बहुत सारा इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं अपने दोस्तों को कुछ दिखाने के लिए। तो इसमें कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जिसमें कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अभी यहाँ पे आप अलग फ्रेम लगानी है या कोई और भी फोटो लगानी है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप गैलरी से जहाँ पे भी आपकी फोटो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक फ्रेम ऐसे लगा के इसे डिलीट कर दूंगा, तो ये लगा के आप देख सकते हैं। इसमें अपना कुछ और भी नंबर डालना है या कुछ और लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं या और कहीं भी लिख सकते हैं। इसे डिलीट कर दिया। अब दोस्तों मान लीजिए आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ यानी आप इसे जैसे आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है। यहाँ पे सेव कर देना, ऊपर राइट का चिन्ह है तो ये सेव हो चुका है। अब दोस्तों आप जो भी आप इसे स्क्रीन कैप्चर भी देख सकते हैं या यानी अभी एक स्क्रीन कैप्चर का मोड है तो इससे आप पबजी खेल सकते हैं जैसे। और ये आ गया कैमरा मोड, यहाँ से आप अपना कैमरा लाइव कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पीछे वाला कैमरा या सामने वाला कैमरा से आप लाइव चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और दूसरा मोड है यहाँ पे दिखा है, ऊपर दिया गया है, वहाँ से आप पबजी खेल सकते हैं जैसे पबजी या गेम कोई भी हो, फेसबुक पे जो भी स्क्रीन पे चल रहा है लाइव कर सकते हैं उसमें। जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे लाइव कर देना, वहाँ से स्टार्ट करना है पहले, वहाँ पे स्टार्ट करके आप मिनिमाइज जाके आप जब भी ये पे ये मान लीजिए पबजी चल रहा है तो वो पबजी लाइव हो जाएगा, कोई सॉन्ग चल रहा है तो सॉन्ग लाइव हो जाएगा, कोई भी चल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे दिया गया एक तो ऑडियो लाइव का है और एक वीडियो लाइव का है। तो यहाँ पे गेम लाइव के पे क्लिक कर देना, ऊपर वाले पे क्लिक कर देना, ऊपर वाले पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट बैक चले जाना है और पबजी जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे चले जाना है, तो वो पबजी यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव हो जाएगा, ठीक है। आप इसका यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ऐसे तो आप समझोगे नहीं ना, तो आप इसका यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा। और आपको यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने तो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको अगला वीडियो कैसा होना चाहिए आपको, यानी कौन सा वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से बता सकते हो, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। Hello.